डुअल चैनल एबीएस यूएसडी फोक्स हर एक बाइक से की हटाए जा रहा है टोटली न्यू ग्राफ और 11,000 रुपए। हे गाइस, तो ये हमारे सामने ऑल न्यू बजाज पल्सर NS160 2023 न्यू मॉडल। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसी का हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या बदलाव किया गया है और इसमें आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा पुराने वाले NS160 से और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स को एड ऑन कर दिए गए। हर एक कुछ के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका क्या प्राइस पड़ने वाला है ऑन रोड प्राइस और इसमें आपको कितना माइलेज देखने को मिल जाएगा, हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से शुरुआत करें तो इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं। आपको लुक में आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा, आपको लुक एंड डिजाइन जो कि आपको टोटली सिमिलर ही मिलने वाला है पुराने वाले NS160 से। अभी भी इसमें आपको हेलोजन बल्ब का लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको दो पीस पायलट लैंप देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर्स अभी भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, इस जगह पे आप अपना नंबर प्लेट लगा पाएंगे। नीचे की ओर देखें जहाँ की सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव किया गया जो कि अब इसमें आपको USD फोक्स देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता था। इसका मडगार्ड देखें जो कि इसका जो चौड़ाई है उसे ज़्यादा कर दिया गया है और यहाँ पे आपको थोड़े से कार्बन टच दिए गए हैं, यहाँ पे आपको थोड़े से स्टिकर मिल जाएंगे। अब इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिल जाएगा, पहले इसमें आपको सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिलता था। यहाँ पे देखें तो आपको 300mm का फ्रंट डिस्क दिया गया जो कि डिस्क का जो साइज है उसे भी बढ़ा दिया गया है और ये आप देख सकते हैं ABS का प्लेट यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट टायर की ओर देखा जाए तो फ्रंट टायर आपको 100/80 सेक्शन का देखने को मिलेंगे, 17 इंचेस का आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा जहाँ की आपको रेड कलर का स्टिकर मिल जाता है और इसका जो टायर का मोटाई है वो भी ज़्यादा कर दिया गया है पुराने वाले NS160 से। अगर इसके साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो इस बाइक का आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, आपको टोटली न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और आपको अच्छे अच्छे ग्राफिक्स इस बाइक में दे दिया गया है। इसके टैंक काउल की ओर देखें तो यहाँ पे आपको 160 का स्टिकर मिल जाएगा, नीचे की ओर देखें यहाँ पे आपको ऑयल गोल्ड का स्टिकर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़े से रेड कलर और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको थोड़े से रेड कलर दिए गए हैं। आपको फ्यूल इंजेक्टर का आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाएगा और इसका टैंक की ओर देखें जो कि आपको 12 लीटर का इसमें आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्सर का ब्रांडिंग जो कि आपको डार्क क्रोम के साथ देखने को मिलता है। आपको स्प्लिट में सीट मिलेंगे, सीट में आपको कोई भी अंतर नहीं मिलेगा और सीट का जो कुशन है वो भी आपको अच्छा रखा गया है। सीट काउल की ओर देखें तो यहाँ पे आपको NS160 का स्टिकर, नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे भी आपको रेड और ग्रे कलर का स्टिकर मिल जाएगा। इसके इंजन की ओर देखें जहाँ अभी भी आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, हर एक बाइक से आपको किक हटाया जा रहा है बट इस बाइक में अभी भी आपको किक का ऑप्शन मिल जाएगा। इस बाइक का आपको इंजन 160.3 cc का देखने को मिल जाएगा जो कि आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड के साथ देखने को मिलता है, 17.2 PS का पावर और 14.6 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा इस बाइक के इंजन से। इंजन के जस्ट नीचे आपको इंजन काउल मिल जाएगा जहाँ की आपको डुअल टोन में स्टिकर मिल जाते हैं। इंजन में आपको DTSI ट्विन स्पार्क्स का इंजन इस बाइक में यूज किया गया है। ये आपका राइडर का फुटरेस्ट, ये आपका पिलियन का फुटरेस्ट जो कि आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर इसके रियर सेक्शन से देखें तो इसका आप रियर सेक्शन देख सकते हैं, रियर में आपको मोनोक्रॉस टाइप का सस्पेंशन दिया गया है, यहाँ पे आपको मैट स्लैब का ऑप्शन मिल जाएगा, टायर अगर आपको पहले से ही मिल जाएंगे और रियर डिस्क आपको 230mm का दिया गया है और यहाँ पे भी देखें तो आपको ABS का प्लेट देखने को मिल जाता है। रियर टायर की ओर देखा जाए तो रियर टायर आपको 130 सेक्शन का दिया गया है, ये भी टायर आपको थोड़े से मोटे कर दिए गए हैं पुराने वाले NS160 से। यहाँ से आप इसका रियर लुक देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे LED में टेलाइट्स देखने को मिलेगा जो कि जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपको जलता हुआ दिख जाएगा। स्प्लिट में आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे, इस जगह पे आप अपना नंबर प्लेट लगा पाएंगे, यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप का बल्ब दिया गया है और दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर और बीच में भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी कार पहले से ही मिल जाएंगे, लेडीज फुटरेस्ट आपको पहले से ही मिल जाएगा, बाहर से लगवाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। चेन आपको टोटली ओपन ही मिलेंगे जिससे कि आप लुब्रिकेशन और भी ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिलता है और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी ऑप्शन दिया गया है और इस बाइक में अभी भी आपको 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अगले बदलाव की ओर देखा जाए जो कि इसके मीटर कंसोल में किया गया है, इसका आप मीटर कंसोल देख सकते हैं जो कि आपको डिजाइनिंग टोटली सिमिलर ही मिलने वाला है पुराने वाले जैसा ही, बट इसमें जो फीचर्स है उसे आपको और भी ज़्यादा कर दिया गया है। जैसे कि आप देखें आप टैकोमीटर जो कि आपको 9000 RPM के बाद रेड लाइनिंग कर जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं जो कि इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाने वाला है जो कि आपको पहले नहीं मिलता था, यहाँ पे आपको डिजिटल में क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का इंडिकेशन दिया गया है, ये आपका स्पीडोमीटर का ऑप्शन हो गया, ये आपको ओडोमीटर का ऑप्शन हो गया और इस वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Trip 1, ये आपका Trip 2 हो गया और इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर्स मिलेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके टैंक में कितना ज़्यादा पेट्रोल बचा हुआ है और आप कितने दूरी तक जा सकते हैं, वो फीचर्स आपको यहाँ पे दे दिया गया। सेम आपको N160 का फीचर्स यहाँ पे मिल जाता है।
ये आप देखें तो आपको सर्विस रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपका डिस्टेंस ट्रिम पट्टी का फीचर्स, और यहाँ पे आप देखें जो कि आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है वो भी आपको बताने वाली है, मतलब कि आपको एक लीटर में आप कितने दूरी तक जा सकते हैं, कि आपको माइलेज कितना दे रही है एक लीटर में, वो भी आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इधर देखें तो आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं, आपको इंजन माल फंक्शन का इंडिकेशन, आपको ऑयल इंडिकेशन दिया गया, लो बीम आपको हाई बीम का इंडिकेशन, लो बैटरी इंडिकेशन, न्यूट्रल इंडिकेशन, लेफ्ट टर्न राइट टर्न का इंडिकेशन, यहाँ पे आपको बजाज का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सेट और मेन्यू का आपको यहाँ पे दो ठो बटन दिए गए हैं, आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलेगा, ये आपका की का स्लॉट दिया गया है, और अभी भी इसमें आपको नॉर्मल डिजाइन का की देखने को मिलेगा। अगर इसके स्विचेस की ओर देखा जाए तो आप देख सकते हैं आपका लो बीम, ये आपका हाई बीम का स्विच, ये आपको पासिंग का स्विच, और यहाँ पे आप देखें थोड़े से रफ एजेस देखने को मिलेंगे, तो शायद इसको और भी ज़्यादा अच्छे से सुधार किया जा सकता है। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का स्विच, ये आपका हॉर्न का स्विच दिया गया है, इसे एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ। आपको सिंगल हॉर्न ही मिलेंगे बट आपको साउंड अच्छा खासा मिल जाएगा, यहाँ से आप इंजन को ऑन ऑफ कर पाएंगे और यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैं इसे सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, इसका मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड को सुनाता हूँ। इसमें आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, तभी गाइस जस्ट इस बाइक का आपने एग्जॉस्ट साउंड को सुना कि इंजन में आपको रिफाइनमेंट देखने को मिलेंगे, और इसका जो साउंड है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुनने में लग रहा होगा। तो मैंने गाइस इस बाइक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको इस बाइक के डिटेल्ड रूम में हर एक कुछ बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो कितना ज़्यादा पड़ने वाला है। अभी का इसका जो ऑन रोड प्राइस है जो कि आपको 1,65,000 रुपीज़ रखा गया है, हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको रौनक बजाज में ये प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको हर एक कलर देखने को मिलेंगे। तब कोर्स आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और आपको जो भी कलर पसंद है आप कोर्स आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।